गाइस बाहर बारिश हो रही है। उप्स, मेरा guys, welcome back to another chapter of my YouTube journey. If you guys are new here and if you see this face for the very first time, hello myself Karishma and you're watching Insane Scales. आज की वीडियो का मैं इंतजार काफी टाइम से कर रही थी as usual. फिर अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये वीडियो तो मैंने नहीं किया है. सो आज हम करने जा रहे हैं अगारो का टेस्ट कि ये अपने काम में माहिर है या नहीं है. इसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है. इससे पहले मैंने इतना इसको यूज़ नहीं किया है बट मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आज दूंगी. इसके बाद मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एथनिक लुक करने वाली हूँ, वो लुक जाके जरूर देखना गाइस. अच्छा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके सो दिस इज अगारो 4-in-1 हेयर स्ट्रेटनर वेवी हेयर क्रम्पर एंड कर्लर. ओके अपने बालों को सुलझा के आ चुकी हूँ जो कि लग नहीं रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बैठी हूँ कैमरे के आगे और हम पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करते हुए एज यूजुअल क्योंकि इसका मैं कुछ कर नहीं सकती. आप सिर्फ मेरी जो आवाज़ है ना उस पर ध्यान दें प्लीज़. इसके बाहर का पैकेजिंग थी वो गलती से चली गई, मतलब वो खो गई मुझसे, वो कूड़े के साथ चली गई. तो मैंने सारी चीज़ें ना लिख ली हैं. मैंने अमेजोन से ये परचेज़ किया था और इसको हो गए हैं 3-4 महीने. एक दो बार मैंने इसको यूज़ भी किया है. एक बार तो प्रॉपर, मतलब मैंने उसको आज से कभी प्रॉपर आराम से बैठ के कभी यूज़ नहीं किया. तो आज हम देखेंगे इसको कैसे काम करता है. मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो चुके हैं, इसीलिए ये अमेजोन में मुझे दिखा भी नहीं रहा था कि मैंने लास्ट परचेस क्या लिया है क्योंकि मैं इसकी डिटेल्स निकालना चाह रही थी क्योंकि बॉक्स तो मेरे पास है नहीं. पता था 4-in-1 वाला स्ट्रेटनर है एंड ये 1300 something का मुझे पड़ा था. एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है बट 1300 ये याद है मुझे और वो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिला था. उसमें लिखा था कैरेटिन इन्फ्यूज्ड सेरेमिक कोटेड ब्लेड. ये वाली है ना, ये वाली, इसको ही बोल रहे हैं शायद. ये ब्लैक एंड गोल्ड कलर है इसका. इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2299, करेंट प्राइस है 1357. 41% ऑफ में चल रहा है. उस टाइम पे भी ये ऐसे ही मुझे मिला था, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकती बट 1300 something का ही था उस टाइम पे भी. और मुझे ना एक्चुअली ज़्यादा ढंग से याद नहीं है कि इसकी वारंटी कितनी थी. आई गेस 6 months का ही था, एग्जैक्ट नहीं बता सकती बट आई गेस 6 months का है. और लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा. ठीक है, बॉक्स में ना बाहर दो स्कैनर भी दिए हुए थे. एक स्कैनर में आई गेस वारंटी का था, अगर वारंटी से पहले ख़राब होता है तो आप स्कैन करके उनको रिटर्न एक्सचेंज जो भी आपको करना हो कर सकते हो. दूसरा था कि अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है, स्ट्रेट नहीं हो रहे बाल या फिर ऐसा कुछ, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो. आई गेस यही दोनों थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा. मैं अगर ज़्यादा खाना खाती हूँ तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है. खाना नहीं खाती हूँ तो सबसे पहले स्ट्रेट करेंगे. ठीक है, कोई अच्छा स्ट्रेटनर लेना था. ठीक है, अब मैं ये सोच रही थी यार मुझे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए स्ट्रेटनर चाहिए होता है तो मैं इतना खर्चा भी ना करूँ. इसकी ना रिव्यूज़ वाली वीडियो देखी थी देन मैंने ये मंगाया था. इसमें मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना ये गर्म नहीं होता है तो आप इजीली ऐसे करके स्ट्रेट जो भी आपको करना है आप कर सकते हो. अब इसमें से ना स्मेल आ रही है गर्म गर्म. इससे पहले मेरे बाल छिल जाएं, स्टार्ट करते हैं. इसको ऑन करोगे तो ये स्ट्रेटनर है, नीचे की साइड करोगे तो ये आगे वाला पार्ट खुल जाता है, ये वाला. तो ये कर्लर के लिए है ना, ज़्यादा पार्ट ले रही हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं. लास्ट तक देखना वीडियो. ठीक है, और फिर मैं बताने वाली हूँ कि मेरा थॉट क्या है इसके ऊपर. हम स्ट्रेटनर के ऊपर ही करने वाले हैं जो भी करेंगे. मुझे अच्छा लगा. ठीक है, आप लोग बताना आपको कैसा लगा. कम किया इस साइड मैंने 5-6 बार किया, इस साइड मैंने 2-3 बार ही किया. अब हम करेंगे कर्ल, उसको हम नीचे कर देंगे. ठीक है, थोड़ी देर होल्ड करके स्मैक. लेट्स सी कि अभी कर रहा है या नहीं कर रहा काम. ओप्स, मेरा आई गेस मुझे आता नहीं है करना कैसे बट ये हो रहा है ना. मैं इससे पहले नहीं किया है कभी भी सो मुझे नहीं पता कि करना कैसे है. ये वाले लेते हैं, थोड़े लंबे वाले बाल. ठीक है,
मैंने ना इस टाइम पे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया है, ठीक है? गुड यार, मैंने इससे पहले कभी किया नहीं तो मुझे पता नहीं था। मुझे ना वो वाले चाहिए थे जो ऐसे होते हैं ना, फिर उसको थोड़ा खोल दो तो थोड़ा वो देर तक टिके रहेंगे। इसीलिए नीचे वाला हो नहीं रहा, क्योंकि मैं इसको ना क्या करूँ, कहाँ पर रखूँ उसको? सनलाइट ढंग से आ नहीं रही है। अब मैं सोचूँ मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी इसके बाद। स्ट्रेट नहीं है, उनको करके देखते हैं, ठीक है? एक बार एक के ऊपर एक मत रखना है, जैसे मैंने पहले ऐसे ही किया हो। अच्छा से और डर इस बात का लगना मेरे बाल जल ना जाए, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ उनको। दिस इज नाइस, दोनों साइड है बटन, ठीक है? इधर भी इक्वल है। तुम बीच में रख रहे हो तो ये बंद हो जाता है। अगर तुम इस साइड कर रहे हो तो पहले कॉलर खुलेगा, और अगर तुम इस साइड खोलोगे तो क्रम्पर खुलेगा, ठीक? क्रम्पर तो डांसर होता है, तो हम पहले क्रिम्प ही कर लेते हैं। क्रम्प क्यों आ रहा है मेरे मुँह में यार? मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। क्रिम्प ही बोलते हैं ना, वो भी बोलते हैं, समझ लो। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना यूज़ होता होगा, बस वीडियो भी हो सकता है यूज। और ये इतना अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक इट। ये सिर्फ वीडियो में अच्छा लगता है, अगर कोई लुक करना है और उसमें रिक्वायर्ड है, या फिर कुछ कभी कभी कुछ डिफरेंट लुक करने का मन करता है जो मेकअप के साथ जा रहा है। जैसे मैं डिफरेंट क्रिएटिव लुक्स करती हूँ तो उसके साथ ही जा सकता है। यू गॉट माई पॉइंट? सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। एक बार मैंने किया था तो ये ना उसके बाद बहुत देर तक ऐसे ही रहा था। Okay, nice. अभी तक हमने जितने किए सारे अच्छे हैं। वेव वाला क्रिम्पर में तो पता चल नहीं रहा है, नीचे देखेंगे करके, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? मतलब इससे बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, बंद करना पड़ेगा यार, बाल जल गए मेरे। तो नहीं चलने वाले मेरे, कहीं मुझे गुंजा वाला पड़ेगा। आई गेस इसको ना पास करते हैं थोड़ा, क्योंकि इतने दूर करेंगे तो बीच में स्ट्रेट है। आई डोंट लाइक दीज वेव्स। अच्छे तो मेरे नेचुरल वेव्स हैं जो हैं। मुझे लगा था वेव वाले अच्छे होंगे यार, वेवी एयर मुझे अच्छा लगता है। ऐसा आप अपने रिव्यू बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले स्ट्रेट मैंने अपने बर्थडे के दिन किए थे, स्पेशली मैंने बर्थडे के लिए ही मंगाया था, तो मैंने बहुत जल्दी में मंगाया था। तो मैंने सोचा यार, क्योंकि मैंने फिलिप्स के जो 2,000 और 3,000 वाले भी होते हैं ना, फिलिप्स वाले, वो भी देखे लोगों के रिव्यूज़ की वो अच्छे नहीं है, तो मैंने सोचा यार जल्दी में मैं महंगा वाला मंगा दूंगी और वो अच्छा नहीं हुआ फिर। तो फिर मैंने इसका रिव्यू एक बार एक लड़की को देखा था, तो उसने बहुत अच्छे रिव्यू दिए थे। उसके बाल थोड़े से स्ट्रेट हैं, तो आई गेस उसके स्ट्रेट बालों में स्ट्रेटनर मारेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है? बट मैंने इसको जब ऐसे जिस दिन आया था उस दिन ट्राई किया, तो मुझे बहुत स्ट्रेट लगे अपने बाल, ठीक है? जैसे आज आपको लगे। अब वो तो थोड़ी देर के लिए थे, फिर उसके बाद जब मैं बर्थडे वाले दिन जब मैंने पूरे स्ट्रेट किए, तो मैंने सिर्फ एक एक बार में, मतलब एक एक बार किया, क्योंकि उस टाइम पे आई गेस लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लाइट आ रही जा रही थी, तो मैं सोचा कि ऐसा ना हो कि हाफ बाल हो गए, हाफ बाल रह गए, तो इसलिए मैंने एक ही बार पहले सारे कर दिए। मैंने सोचा दोबारा भी करूँगी, फिर लाइट चली गई थी। ओवरऑल पूरे दिन भर अच्छे थे, बट वो वाले स्ट्रेट नहीं थे, जो वाले स्ट्रेट होते ना बिल्कुल स्ट्रेट वाले, बिल्कुल जैसे स्ट्रेटनर हम जो हम स्ट्रेटनिंग करवाते हैं अपने बाल ना, बिल्कुल स्ट्रेट वाले जो बाल होते हैं ना, वो वैसे नहीं थे, ठीक है? फ्लाई अवे वाले जो होते हैं ना, हल्के वाले, वो वाले थे, बट ठीक थे। मतलब डिपेंड करता है, हो सकता है किसके बाद हल्के से सिल्कियों में, बोल रहे हैं मेरे बाल हल्के से रफ है, उसके बाद हो सकता है सिल्कियों तो उसके स्ट्रेट हो जाएं, या फिर मैं अच्छे से बैठ के करूं दो बार, या फिर तब हो। दो बार मैंने कभी किया नहीं है इसमें, ठीक है? जैसे अभी आपने देखा मैंने 2-3 बार किया था, तो अच्छा लग रहा था। अभी वो वाले स्ट्रेट नहीं होते मुझे ऐसा लगता है। ऑफकोर्स ये थोड़ा रीजनेबल है, तो हो सकता है कि इसलिए ये इतना अच्छा ना हो, बट अगर आपको चाहिए कम प्राइस में तब ये अच्छा है, ठीक है? कर्ल भी इससे अच्छे हो रहे हैं, अगर आप बैठ के अच्छे से
कर्ल करोगे तो अच्छे से होंगे आई गेस. सबसे अच्छे कर्ल ही लगे हैं अभी तक, कि अगर अच्छे से आप करोगे तो आई गेस टिकेंगे, है ना. ऐसे वाले कर्ल अच्छे भी लगते हैं. वेव मुझे अच्छा नहीं लगा, क्रिम्प मुझे बल्कि अच्छा लगा. मुझे क्रिम्प उससे भी अच्छा लगा स्ट्रेट से. मतलब क्रिम्प मुझे पसंद नहीं है वैसे, बट अगर देखेंगे कि कौन कितने देर तक टिकता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. स्ट्रेट मुझे 50-50 लगा, क्रिम्प मुझे 70% ठीक लगा, एंड ये मुझे 85-90% ठीक लगा. तो देखो अच्छे लग रहे हैं. तो अगर आपको रीजनेबल प्राइस में अच्छा मतलब टिकाऊ ठीक ठाक चाहिए तो आप इसकी साइड जाना. और अगर आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट वाले स्ट्रेटनर चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट जो करता है ठीक है, वो वाला अगर चाहिए तब आप अच्छे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था इससे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिया. वरना मैं अच्छा वाला लेती, फिलिप्स वाला ही लेती इससे अच्छा. जिसकी वीडियो मैंने देखी थी वो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो गए थे आई गेस. उसके बाद वैसे भी शायद स्ट्रेट ही होंगे हल्के हल्के. तो वही है ना, डिपेंड करता है आपके बाल कैसे हैं. अगर आपके पास सिल्की हैं तो तब आप इसको बिल्कुल ले सकते हो. बाकी आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो. तो यार मैंने सारी चीज़ आपको बता चुकी है, अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं. आप उसके अकॉर्डिंग लेना, आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला है ठीक है. अब मैं दोबारा नहीं दोहराने जा रही हूँ. या आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं अभी वैसे शूट करने वाली हूँ, वो वाली वीडियो भी देखना. मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाने वाली हूँ, ट्रेडिशनल वेयर. सो या बाय.